एवरीवन, आई एम शैली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है फिर से एक हॉल वीडियो। ये है एक बहुत छोटा सा हॉल वीडियो जिसे मैं आपके यहाँ चेक करने वाली हूँ। टू आउटफिट्स, एक है परफेक्ट कैजुअल वेयर एंड ऑफिस वेयर के लिए, दूसरा परफेक्ट है वेडिंग वेयर के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये है हमारा पहला कुर्ता सेट। इट्स अ कुर्ता विद अ ट्राउज़र, पलाजो नहीं है। और आप लोग हमेशा बोलते हो कि यार प्रिंटेड मत लाया करो, आप एम्ब्रॉयडर्ड सजेस्ट किया करो। ये बहुत कूल है यार, इसको जो डिफरेंट बनाता है ना, सबसे पहले तो ये कॉलर इसकी, एंड देन दिस इज़ एम्ब्रॉयडर्ड। ये आप देख रहे हो कितना प्यारा फ्लोरल डिज़ाइन इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एंड यार इसका कलर इतना खूबसूरत है ना, समर्स के लिए इसको परफेक्ट बनाता है। लैवेंडर कलर का सूट है जो कि समर्स में या सूट्स में ना बहुत कम देखने को मिलता है लैवेंडर, एंड समर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट कलर है फ्लॉन करने के लिए। एंड ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना, ही सिर्फ चेस्ट पे है बल्कि स्लीव्स पे भी बनी हुई है। इसकी स्लीव्स भी ना थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, लाइक थोड़ी कैप काइंड ऑफ स्लीव्स है। और इस वाले सूट में एक और कलर भी है जो कि है टर्कवाइज कलर। आप ये नहीं लेना चाहते तो आप वो वाला ट्राई कर सकते हैं। और लाइक ये वाला सूट मुझे ऐसा लगा आपको थोड़ा सा और लंबा दिखाता है। पलाजोज जो होती हैं, छोटी हाइट जिनकी होती है उनको वो नहीं वेयर करना चाहिए, जिनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है उनको इस तरह की जो है स्टाइल वेयर करना चाहिए। साइड में स्लिट्स हैं, सेंटर में बिल्कुल नीचे की तरफ थोड़ी सी स्लिट है। और ये है 100% प्योर कॉटन जो इसको बनाता है और ज़्यादा कंफर्टेबल समर्स के लिए। और पीछे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, पीछे है इस तरह का लाइनिंग पैटर्न, ठीक है। और ये है हमारे ट्राउजर्स, और इसमें भी लगा है इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड जो कि इसको बनाता है और ज़्यादा कंफर्टेबल, ठीक है। चलिए अब इसको वेयर करके देख लेते हैं। ओके, देन है ये वाला गाउन। यार इस पे तो ना मेरा दिल आ गया, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, एकदम परफेक्ट। लाइक मेरे जैसे हो ना आप, जिनको बिल्कुल लाइट वेट एंड एलिगेंट कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए है। बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट हुआ हुआ है इसके ऊपर, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड इंडिया। एंड आई एम शॉक्ड यार, कल तक इसमें सारे साइजेस अवेलेबल थे, अभी बिल्कुल ना के बराबर इसमें पीसेस बचे हुए हैं। अगर आपको आपका साइज मिल जाए तो डेफिनेटली खरीद लेना, लेकिन ये लोग जो है दोबारा से स्टॉक में लाते भी रहते हैं, तो आप चेक कर लेना अगर आपको आपका इसमें साइज मिले तो। मैं लाइक हैरान हूँ, कल इसमें सारे साइजेस थे, अभी कोई साइजेस नहीं है। एंड इसका जो फैब्रिक है 100% पॉलिएस्टर है, और ये आता है बेल्ट के साथ जिसे आप निकाल भी सकते हैं। लाइक आप इसको बेल्ट के साथ पहनें या फिर बेल्ट के बिना पहनें। अगर आप इसको कैजुअली पहनेंगे तो आप इसको बेल्ट निकाल दें, अगर आप इसको किसी वेयरिंग में पहनना चाहते हैं तो आप इसको बेल्ट के साथ वेयर कर लें, ठीक है। और इस तरह का बहुत ही खूबसूरत जो है पूरे इस पे प्रिंट हुआ हुआ है, बहुत फ्लैरी है। ये कैनकेन तो नहीं है इसमें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्लैरी है। मुझे लगता है लाइक अगर हम इसको कैनकेन स्कर्ट के साथ पहनेंगे ना तो ये और ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है। तो ऐसा दिखता है, ये पीछे भी पूरा प्रिंट है और आगे भी पूरा प्रिंट है, ठीक है। पूरा बहुत ही फ्लोई फ्लोई सा गाउन है ये, बहुत कंफर्टेबल है ये और बहुत एयरी है। एंड पीछे इस तरह से जो है आप बेल्ट को टाई कर लेंगे पूरा इस तरह से पीछे से अच्छे से, और नीचे लगे हुए हैं गोल्ड कलर के टैसल्स इस तरह से, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसके अंदर लगी हुई है इस तरह की लाइनिंग जैसे कि आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से दिखता है हमारा गाउन। चलिए अब इसको वेयर करके देख लेते हैं कि वेयर करके कैसा लगता है।